हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट एम एंड एन बी टू पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन। इफ लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो ई पावर कॉस ए पावर एन माइनस ई अपॉन ए पावर एम इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई बाई टू देन द वैल्यू ऑफ एम बाय एन इज। अब इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि अगर हमारे पास लिमिट है आपकी एक्स टेंडिंग टू जीरो दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है साइन एक्स वाई, एक्स की फॉर्म दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। एक कंडीशन और भी है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है और ई पावर एक्स माइनस वन और अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी वन होती है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेता हूँ आपका। दे रखा है आपका लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो और दे रखा है ई पावर कॉस ए एन, ई पावर कॉस ए पावर एन माइनस का दे रखा है ई और अपॉन में है आपका ए की पावर एम और इक्वल्स टू में माइनस का ई वाई टू दे रखा है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो ई है वो यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो लिमिट हो जाएगा आपका ए टेंडिंग टू जीरो, ई मैंने कॉमन ले लिया तो अब इसके अपॉन में ई आ जाएगा, ई को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब बेस सेम है तो एडिशन कर लेंगे, तो ई पावर बन जाएगा आपका कॉस ए पावर एन माइनस का वन हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस वन हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा और अपॉन में ए की पावर एन बचेगा। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स होता है तो, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या दे रखा है, कॉस ए की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, कॉस ए की पावर एन माइनस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू में क्या चल रहा है, माइनस ऑफ ई वाई टू चल। अब देखो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो वन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस यहाँ पे मिलेगा लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो ई बचेगा और साथ में क्या बचेगा आपका, कॉस ए पावर एन माइनस का वन मिलेगा और अपॉन में कितना हो जाएगा, ए की पावर एम हो जाएगा और इक्वल्स टू में माइनस ई वाई टू हो जाएगा। अब देखो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेने पर बाहर मैंने माइनस ही निकाल दिया क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं लिमिट से, तो लिमिट आपका ए टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा और यहां मिलेगा आपको वन माइनस ऑफ कॉस ए पावर एन हो जाएगा और अपॉन में ए की पावर एम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा और इक्वल्स टू माइनस का ई वाई टू हो जाएगा। तो माइनस ई से माइनस ई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है वन माइनस कॉस ए एन, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला जो कॉस टू ए का फॉर्मूला होता है ना, वही जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जो कॉस टू एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ से मैं टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस ऑफ कॉस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको लिमिट लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा यहाँ पे और ये मिलेगा आपको टू साइन स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, ए एन दे रखा, तो ए एन वाई टू हो जाएगा, ए की पावर एन वाई टू हो जाएगा और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ए की पावर एम हो जाएगा, ए की पावर एम हो जाएगा और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है आपका, वन बाय टू चल। अब यहाँ पे देखो आपने साइन एक्स वाई एक्स की कंडीशन बनानी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए की पावर एन वाई टू का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, ए की पावर एन वाई टू के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब ये वाला वन हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा आपका, लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो यहाँ बचेगा टू और ये ए की पावर टू एन डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा और ए पावर एम हो जाएगा और इक्वल्स टू में वन बाय टू चल, ठीक है। अब देखो यहाँ से टू टू सा फोर हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपका, ए की पावर हो जाएगा टू एन माइनस का कितना हो जाएगा आपका, एम, क्योंकि ए की पावर को ऊपर ले आऊंगा तो माइनस का एम हो जाएगा और इक्वल्स टू में वन है तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए की पावर जीरो। तो दोनों में क्या करूंगा, यहाँ पे कंपेरिजन करा दूंगा यहाँ पे पावर में, तो ये हो जाएगा टू एन माइनस एम इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका जो टू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, एक बार चेक कर लेता हूँ, एम वाई एन निकालना है, ठीक है।
तो यहां से जो एम वाई एन आ जाएगा, एम वाई जो एन आ जाएगा वो 2:1 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक।